मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन लगने वाली संक्रांति को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। लेकिन मकर संक्रांति को शुभ मुहूर्त में मनाना चाहिए और इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 की बजाय 15 जनवरी सोमवार को लग रहा है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान दान करने का बड़ा महत्व होता है और लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहर आचार्य बताते हैं कि 15 जनवरी को सुबह 2:54 पर ही मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा और उसके बाद मकर संक्रांति का क्षण होगा, लेकिन सुबह 8 के बाद से मकर संक्रांति। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का पर्व मनता है, जिसमें पूजा आराधना करने का शुभ मुहूर्त के अनुसार ही लोगों को पूजा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रातः काल 7:15 से संध्या काल 5:46 पर मकर संक्रांति में पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। मकर संक्रांति सूर्य की संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को प्रातः 8:40 में प्रवेश करेंगे। सूर्य का मकर राशि पर प्रवेश होने से दिन की वृद्धि होती है और उस दिन गंगा स्नान, संगम का स्नान, नदी सरोवर में स्नान करने का महापुण्य की फल की प्राप्ति होती है। पूरे देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जप के साथ दान पुण्य भी करते हैं। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि अगर इस दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाए तो कई सारे लाभ होते हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर मकर संक्रांति के दिन लोग चूड़ा दही का दान करते हैं और तिल का भी दान करते हैं, जबकि कई जगहों पर खिचड़ी बनाई जाती है। मकर संक्रांति का त्योहार दान पुण्य का त्योहार माना जाता है और इस दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा करना सही माना जाता है। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।